नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बायर कंपनी द्वारा निर्मित सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड। यह इंसेक्टिसाइड में यदि टेक्निकल की बात करें तो इसमें बीटा साइफोथ्रीन 8.94% और जो दूसरा टेक्निकल इसमें मिलता है वो है इमीडा क्लोरोपिड, जो कि 19.81% में मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इसमें टेक्निकल है कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है और इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों पर इसके अच्छे रिजल्ट हैं और इसकी कीमत क्या है और प्रति एकड़ क्या खर्च पड़ने वाला है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि इसमें टेक्निकल की बात करें तो इसमें बीटा साइफोथ्रीन जो कि 8.94% है और जो दूसरा टेक्निकल इसमें इमीडा क्लोरोपिड जो कि 19.81% में है। इसमें बीटा साइफोथ्रीन कॉन्टैक्ट तरीके से कार्य करता है, जो इमीडा क्लोरोपिड है वह सिस्टोमेटिक यानी अंतरप्रवाहिक कीटनाशक है। यदि किसान भाइयों इंसेक्ट कंट्रोल की बात करें तो यह एफिड्स, चैपिड्स, रूट वॉरस, सूट वॉरस, गर्डल वीटल और सेमी लूपर इल्लियों पर इसका अच्छा रिजल्ट है। रिंग कटर पर और थ्रिप्स कंट्रोल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रिप्स और रिंग कटर पर इसके अच्छे रिजल्ट हैं, जो कि हमने सोयाबीन पर स्प्रे करवाया था, इसके रिंग कटर पर इसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। सोयाबीन, धान, मक्का, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, टमाटर, बैगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची के साथ साथ आप अन्य फसलों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि रिजल्ट टाइम की बात करें तो इसका रिजल्ट टाइम 10 से 12 दिनों तक ही है। इसका 10 से 12 दिन तक इसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं कि इसका डोज क्या है। तो 15 लीटर पानी में 15 ml सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड को घोल कर स्प्रे करना चाहिए। यदि प्रति एकड़ की बात करें तो 200 लीटर पानी में 200 ml सोलेमॉन को घोलकर स्प्रे करना चाहिए। यदि प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो जो प्रति एकड़ खर्च पड़ने वाला है वो 350 से 400 के बीच में पड़ने वाला है। तो किसान भाइयों यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।